हरियाणा के पलवल जिले में आज सर्व जातीय हिंदू महापंचायत हुई, जिसमें 51 लोगों की कमेटी ने फैसला लिया कि 28 अगस्त को ब्रजमंडल की अधूरी यात्रा को पूरा किया जाएगा। महापंचायत में सोहना तावड़ू के विधायक संजय सिंह ने ब्रजमंडल यात्रा पूरी कराने का मुद्दा उठाया। महापंचायत में कहा गया कि इसी महीने 28 अगस्त को दोबारा से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि यात्रा की तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। नूह में पिछले महीने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भारी हिंसा हुई थी, इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। हिंदू महापंचायत में कहा गया है कि नूह हिंसा की जांच एनआईए से करवाई जाए, जो हिंसा में मारे गए उनको 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए, जो घायल हुए हैं उनके परिवार को 50 लाख दिया जाए, दंगे में जिसका नुकसान हुआ उसका सर्वे करके उनको मुआवजा मिले, अवैध घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर किया जाए, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर भेजा जाए, नूह जिले या आसपास के गांव के लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिया जाए, इलाके में अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो, मेवात में हेडक्वार्टर बने, जिन्होंने दंगा किया है उनकी पहचान हो, साथ ही उनके घर की कुर्की की जाए। सर्वजातीय हिंदू महापंचायत मेवात के 40 हिंदू पाल और 12 मुस्लिम पाल के अध्यक्ष चौधरी अरुण जैलदार के मार्गदर्शन में हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सारे झगड़े की जड़ गौ हत्या होती है। गौ हत्या मुक्त होना चाहिए जिला, और पंचायत से एक निवेदन मैंने पहले भी कहा, ठेक कर रहा हूं कि तमाम जो लोग कहते हैं उनको भी निर्णय ले जाना चाहिए कि जिस घर में जाए वहां गाय का दूध मिलना चाहिए। ये तुम्हें भी निर्णय ले लेना चाहिए कठोर। ये तुम्हारे लिए भी सबक है, केवल दूसरे के लिए सबक सिखाना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर खुद निर्णय ले होते तो कठोर होता है। आपसे भी पंचायत की निवेदन है, पंचायत का निर्णय ये भी है कि सभी भाई अपने घरों में गाय पालने का काम करें, ये भी पंचायत का निर्णय है। बता दें कि महापंचायत को पहले नूह में किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने कर्फ्यू और माहौल को देखकर परमिशन नहीं दी, जिसके बाद पलवल के नूह पलवल रोड पर पोंडरी गांव में यह महापंचायत हुई। इस महापंचायत में 28 अगस्त को नूह में ब्रजमंडल यात्रा पूरी कराने का फैसला लिया गया। 31 जुलाई को इसी यात्रा के दौरान नूह में हिंसा हुई थी।